ये कांग्रेस के जीते एमएलए कैंडिडेट्स हैं, मतलब वो बच्चे हैं, बल्कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी केसीआर के ड्राइवर थे, और ड्राइवर की भाषा बात कर रहे हैं अकबरुद्दीन। अकबरुद्दीन बोलते हैं मैं 6 टाइम जीता, राइट, और मैं ऐसे खानदान से हूँ, मैं ऐसे पानदान से हूँ, और बात करते चिल्लर 2 करोड़ की बात करते, और सेम बैंड मारते रहते अकबरुद्दीन। अकबरुद्दीन का बैंड क्या है? आलेर का एनकाउंटर, 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड के लैंडा, ये तमाम बकवास भाई बच्चा है जब से सुन रहा हूँ। पहले इनके बाप को सुनता था, इनके भाई को सुनता हूँ, अब ये छोटे को सुन रहा हूँ मैं। और मैं ये छोटे अकबर को ये पूछना चाह रहा हूँ, राइट बाबा, एक चीज है कि मैं असेंबली में नहीं था, खैर कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह रसूल के सदक़े में मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, आवाम की दुआएं हैं मेरे साथ, इंशाल्लाह एक दिन असेंबली में आएंगे हम, जब तक तुम्हारे फेस टू फेस बात करेंगे। आज हम मीडिया के थ्रू हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे को एक बात बोलते, तुम मामू का साथ दिए, तुम मामू का साथ देके मामू से तुम आलेर एनकाउंटर के बारे में जिक्र नहीं करे, तुम वहां पे 12% के बारे में नहीं बात करे, नौकरियों के बारे में नहीं बात करे, डबल बेडरूम के बारे में नहीं बात करे, ओल्ड सिटी के तरक्की के बारे में नहीं बात करे, ये तमाम चीजा तुम मामू से नहीं बात करके तुम धरना चौक में एक तो भी धरना करे आके। अरे मुख्यमंत्री केसीआर तू झूठा है, हाँ आलेर का एनकाउंटर को कहीं को इंक्वायरी नहीं बिठा रहा, जो मारे उनको कहीं को सस्पेंड नहीं कर रहा, मैं धरना करते हम मुसलमानों का कत्ल हुआ बोल के आप बोले, आप मामू से नहीं पूछ के आप खालू से पूछ रहे। अरे कांग्रेस हुकूमत आके 15 दिन में नारे भाई, क्या नींद में है नशे में है तू? बेकार के बात लोग सुन सुन के तंग आ गए, सेम वो मोटी आवाज में हम ऐसे थे हम वैसे थे, हाँ यहां से गए वहां से गए, तुम कहा गए तो ऊपर से नीचे जाते रहते, जो भी पवन है तुम उसके पैरों के पास रहते, तुम्हारी तुम्हारी औकात क्या है नहीं मालूम तुम्हारे को? तुम्हारे दादा बाप कहां थे? तुम्हारे दादा टिकट कहां से लाए थे? कांग्रेस से? तुम्हारे बाबा इंदिरा गांधी के पास नहीं रहते थे? दारुसलाम आया कहां से? मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमसीए कॉलेज, पूरे सीधा आए कहां से तुम्हारे को? तो जहां पे तुम्हारा चलता तो वहां जाते, तुम्हारी जूतियां चपला बन जाते, पैरों के पास पड़े हुए रहते, भूल गए इंदिरा गांधी, सोनिया अम्मा, राहुल जी, राजशेखर रेड्डी आज पैरों के पास पड़े हुए, केसीआर के और नरेंद्र मोदी, आज तुम्हारी भाषा स्क्रिप्टेड किसकी है? मोदी की भाषा बात कर रही जो तुम बीटी में, मैं तुम्हारे आज भी चैलेंज कर रहा हूं, अभी तुम आके मक्का मस्जिद में खसम खा लो कि नरेंद्र मोदी की बी टीम नहीं है, बोगस वोटा हम नहीं दिलाए, और बोगस वोटा हमारे पास है नहीं, तुम खसम खा लो अकबरुद्दीन। मैं पहले लास्ट टाइम बोला था तुम्हारे भाई के पेट में मुंडी डाल देता हूं, तुम्हारे पेट में मुंडी डाल देता हूं, ये बेकार का बलवा नको करो, बेकार का लंगा बकवा चोर बकवा, वही चुरोना बेवा जैसा रोती वैसी चुरोने का, डेवलपमेंट की बात करो, तुम्हारे को हिम्मत नहीं थी केसीआर को पूछने की, तुम बोलना था असेंबली से हम वॉकआउट कर रहे हैं, केसीआर मस्जिदा शहीद हुए तुम्हारे जब याद नहीं था, अब याद आ रहे मस्जिदों के ताल्लुक से, लैंको हिल चले गया जब याद नहीं था तुम्हारे को, इसी तरीके से कई बात है तुम्हारे, सीबीसीआईडी बोल के तुम बोले केसीआर के टाइम पे, वो मेरे को याद है, पर सीबीसीआईडी बोल दिए तुम बोले असेंबली में, साहब हम सीबीसीआईडी बोलते हम ड्रामा करते, तुम सुने वैसा नको सुनो, मुख्यमंत्री कहीं को नहीं डाला सीबीसीआईडी, मुख्यमंत्री लिख सकता था ना सीबीआई इंक्वायरी, कहीं को नहीं लिखा, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं रेवंत रेड्डी को बोलूंगा सीबीआई इंक्वायरी करो, और थोड़े दिन रुक जाओ, कांग्रेस क्यादत में आने वाली है सेंटर में भी, तो स्टेट और सेंटर निकलेंगे, वक्फ बोर्ड के जितने भी छोरा है लंगे है पूरों को इंशाल्लाह जेल को भेजा देंगे। पर रही बात, आप जो बड़े बड़े बात करते, मेरी आपसे गुजारिश है अकबरुद्दीन, बड़े बड़े कामा करो तुम, राइट 6 टाइम जीते होंगे, और अल्लाह करे तुम 16 टाइम जीतो, मगर तुम है मुसलमानों के सौदागर, तुम और तुम्हारे भाई सारे हिंदुस्तान में फिर के पूरे मुसलमान कायदों को खत्म कर दे रहे, तुम ना वोटा ले लेके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, लेटेस्ट तुम राजस्थान में गए, तो ये तुम्हारी जो है नीति तुम समझ रहे थे बिल्ली बन के तुम दूध पी सकते, आज पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया तुम ना कैसे लंगे और चोरा है। तो हर बात रेवंत रेड्डी स्टेटमेंट के वैसा तुम लोग को दावत को बुलाया, तुम डर के बोल रहे तुम दावत को बुलाए तो हम गए, तो तुम्हारी तो औकात नहीं है रेवंत रेड्डी को दावत में बुलाने की, जब तुम्हारे को बुलाए
तो तुम उसको इज्जत से हाँ साहब आया भाई। और रेवंत रेड्डी कहीं को बोला एम आई एम पे मोहब्बत है क्या रेवंत रेड्डी को? रेवंत रेड्डी आप पूरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए। रेवंत रेड्डी किशन रेड्डी को फोन नहीं करे साहब जरा पैसे अटके हुए भिजाओ तेलंगाना को। तो रेवंत रेड्डी चुनाव के टाइम पे अलग रहते, अब एक मुख्यमंत्री है, कस्टोडियन ऑफ तेलंगाना है, उन्होंने इतनी इज्जत से बुलाए तो मुख्यमंत्री हमारे को बुलाया, एक बेहतरीन मुख्यमंत्री है बोल के बात बोलना। तू हमारे सपोर्ट में नहीं है ना, आप हमारे सपोर्ट में रहते। राहुल गांधी क्लियर कट बोल दिए, असदुद्दीन बीजेपी का एजेंट है, तेलंगाना में आके तीन टाइम ठहर के बोल दिए जब इन्हें एजेंट है तो तेले पार्टी से हमारे को क्या लेना देना है बात। और रेवंत रेड्डी एक शेर है और तू शेर के मुंह में उंगली डालवा, तो ऐसी बात आप करना छोड़ दीजिए। जो भी बात है आप जाके मामू से पूछना है, हालू से पूछना छोड़ दीजिए। मुसलमानों को बेवकूफ रखो बनाओ, हिंदू अपने हैदराबादी लैंग्वेज में, अकबर तुम्हें बचपन से हैदराबाद लैंग्वेज में बोलो, पब्लिक को चूतिया रखो मारो, डेवलपमेंट करो राइट। अब कांग्रेस डेवलपमेंट करती बोली, 10 साल में कभी केसीआर को तो तुम ओल्ड सिटी लाए नहीं, समझे ना, इस्तांबुल बनाते हो डैलस बनाते हो बोल के बोले सो तुम करे तो कुछ नहीं, मगर सेम गुंडागर्दी करके तुमने चुनाव जीते, भूखे सोता जाग के गए, तुमने जितने भी एमएलए हराम की खयादत के एमएलए से सारी दुनिया को मालूम है। नहीं भाई हमारी हराम की खयादत नहीं है, हमने भूखे सोता नहीं दलाए, मक्का मस्जिद को चलते, मैं अभी तैयार हूँ, जुम्मे की नमाज हो गई इंशाल्लाह ईशा में मिलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जुम्मे को मिलेंगे, नहीं तो कल जोहर में मिलेंगे, असर में मिलेंगे। ये सौ बातें छोड़ दो, पब्लिक समझ गई तुम्हारा ड्रामा, तुम जो भी है स्क्रिप्ट पे बात कर रहे, बीजेपी की स्क्रिप्ट है, एमपी चुनाव आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं मैं तुम्हारे को बहुत गुस्सा है क्योंकि तुम मामू केसीआर को वादा करे थे तेलंगाना में कांग्रेस नहीं आती, पूरे मुसलमानों के उठा हमारे को गिरते, हम इस मुसलमान के चैंपियन है, हम हालीफील्ड है, माइक टाइसन है बोल के तुमने बोल दिए थे, हालीफील्ड गया माइक टाइसन गया बैगन में मिल गया तुम लगा, पूरे मुसलमान मिलकर कांग्रेस को उड़ा दिए, तो उसके लिए तुमने हैरान गोरान परेशानी में शेरवानी में चीख रहे आप राइट। थोड़ी आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है, ज्यादा अच्छी हो आप राइट। इंशाल्लाह मैं आने वाला हूँ असेंबली में, जय हिंद अल्लाह हाफिज। आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अब आपको एक भरोसा है कि चारमीनार की मस्जिद राशिद खान और फैज खान दोनों मिलकर खुलेंगे? देखिए वो राशिद खान कोशिश कर रहे हैं और मैं राशिद खान के साथ हूँ, और अल्लाह करे राशिद खान अपने मुहिम में कामयाब हो जाए। और रही बात हर मस्जिद के जब भी शहादत हुई वो राशिद खान और फिरोज खान थे, वो रोडों पे थे, आपको हर चीज मालूम है वाकया, आपको हर चीज। राजा सिंह भी जब कुछ बात करे तो फिरोज खानिश थे, वो राशिद खानिश थे, तो हर टाइम फिरोज खान और राशिद खानिश थे। ये लोग आके ड्रामा करते और ये बताते कि ये मुसलमानों के चैंपियन है, पर ये मुसलमानों के चैंपियन नहीं है, ये मुसलमानों के सौदागर है। जय हिंद जय कांग्रेस।